हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं मेरे इस चैनल पे बनाने जा रही हूँ हलवाई जैसा कलाकंद। तो चलिए देखते कैसे बनाना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड बाय उमेरा। और कैसे हैं आप सब? तो आज मैं मेरे इस चैनल पे आपको हलवाई जैसा कलाकंद कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी बताने वाली हूँ। और उनका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी होता है जिससे वो एकदम दानेदार बनती है। तो चलिए हम देखते हैं कि हलवाई जैसा कलाकंद बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो कलाकंद बनाने के लिए मैंने दूध लिया है फ्रेंड्स, 2.5 लीटर दूध लिया है मैंने, 2.5 लीटर दूध लिया है फ्रेंड्स। मैंने शक्कर ली है 380 ग्राम, एक बाउल मैंने शक्कर ले लिया है। मीठा आप अपने हिसाब से कर सकते हो फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हो, 400 ग्राम कर सकते हो। मैंने घी ले लिया है फ्रेंड्स, 3 से 4 चम्मच घी ले लिया है फ्रेंड्स। और मैंने थोड़े से पिस्ता लिए हैं बिकॉज हमें एक एक कलाकंद के ऊपर हमें उसको लगाना है। और हमारा जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ये है तुरटी, ये जो हम पानी साफ करने के लिए यूज़ करते हैं, ये मैंने वो ले लिया फ्रेंड्स। तो चलिए हम हमारा कलाकंद बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह, मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। मैंने एक कढ़ाई ले ली है फ्रेंड्स, इसमें हम ये पूरा दूध डाल देंगे फ्रेंड्स। बिस्मिल्लाह, जो हमारा 2.5 लीटर दूध है, 2.5 लीटर है, वो पूरा हम उसमें पोर कर देंगे, डाल देंगे। नॉनस्टिक कढ़ाई मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट बहुत अलग हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हमें इसे क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमने इसे, इसका गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है तो हमें इसे चलाते रहना है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी दूध को चलाना छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स। इसको हमें हलाते रहना है फ्रेंड्स, एटलीस्ट हमें इसे 10 से 20 मिनट, जब तक इसको अच्छा उबाल ना आ जाए, इसको हमें हलाते रहना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरे यहाँ की लाइट गई है इसके लिए थोड़ा सा आपको अंधेरा लगेगा वीडियो में। इसको अच्छे से चलाते रहना है फ्रेंड्स, अगर आप इसे छोड़ दोगे तो ये नीचे स्टिक हो जाएगा और इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें इसे चलाते रहना है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं इसमें अभी बबल्स आना थोड़े स्टार्ट हो गए फ्रेंड्स, देखिए आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें 10 से 15 मिनट्स हो गए इसे चलाते हुए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। इसे थोड़ा सा और हमें एक इसको बॉईल आने देना है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारा मिल्क, हम अच्छे से इसे हिलाते हुए उसको अच्छे से बॉईल होने दिया है हमने। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो हमने तुरटी ली थी थोड़ी सी, दो ऐसे जो 2 इंच होते, 2 पिंच उतना ही लेना है फ्रेंड्स। देखिए ऐसे करके, ठीक है, ये पूरी हमें इसमें ऐड कर देनी है फ्रेंड्स। और इसे अब अच्छे से हमें हिलाते रहना है फ्रेंड्स, एटलीस्ट इसे भी हमें 15 से 20 मिनट्स के लिए हिलाना है फ्रेंड्स। आप पहले तो गैस हाई पे कीजिएगा थोड़ा टाइम के लिए, ठीक है। ये सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट से बनने वाली है रेसिपी में, बट इसमें बहुत ध्यान से हमें बनाना पड़ता है फ्रेंड्स। देखिए इसे अच्छे से हलाते रहिए,
मैंने अपना गैस का फ्लेम हाई ही रखा है फ्रेंड्स, लो नहीं किया है अभी तक। फ्रेंड्स आप वो तुरटी की बजाय आप नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं, सिट्रिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट जो हलवाई लोग होते हैं वो लोग यही यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसे अच्छे से हलाते रहना है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो दूध है वो फटना स्टार्ट हो चुका है। जब तक ये दूध होता है पूरी तरीके से तब तक हम हमारी दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। उसे तो थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और इसको बॉयलर दें। आप देख सकते हैं, देखिए ये फटना स्टार्ट हो गया हमारा दूध, आपको दिख रहे हैं इसमें दाने दाने, ठीक है। इसे होने देते हैं, तब तक हमें जिसमें इसे सेट करना है हम वो उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जिसमें हमें सेट करना है हमारा कलाकंद, मैंने एक ऐसा मेरे पास डिब्बा था मैंने वो ले लिया है। आप चाहो तो जिसमें हम ये बनाते हैं ब्रेड बनाते हैं वो भी ले सकते हो। इसे क्या करना है हमें घी से, जो हमारा घी है उससे हमें ग्रीस करके लेना है, अच्छे से फैला लेना है फ्रेंड्स। देखिए ये देखिए मैंने अच्छे से फैला लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा दूध जो है वो और भी फटना स्टार्ट हो गया है। इसे हम 10-20 मिनट्स के लिए और पकाएंगे फ्रेंड्स। ये जब अच्छी तरीके से हो जाएगा फिर इसमें शुगर ऐड करनी है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने 15 से 20 मिनट इसको कुक कर लिया है फ्रेंड्स। तो देखिए आप देख सकते हैं ये पूरा अच्छे से फूट गया है दूध, जो है हमारा पनीर बन चुका है। अब इसे और हमें एक 5-10 मिनट्स के लिए और पकाना है, फिर हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कैसे हमारा मिक्सचर रेडी हो रहा है। 5-10 मिनट्स हो गए मुझे ऐसे इसे भूनते हुए। अब हम क्या करेंगे, हमारी ये जो शुगर है जो हमने शुगर ली थी ये हम थोड़ा थोड़ा करके 3 बार इसमें ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से चलाते रहना है फ्रेंड, गैस को हाई फ्लेम पे ही रखना है। एक साथ हम शुगर नहीं ऐड करेंगे फ्रेंड्स, उससे हमारा जो कलाकंद है वो अच्छे से नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स इसे मैंने अच्छे से चला लिया है। अब हम इसमें और एक ये जो हमारा शुगर का है इधर डाल देंगे सेकेंड टाइम, और इसे भी हमें अच्छी तरह से चला लेना है फ्रेंड्स। याद रखिएगा शुगर एक साथ कभी भी नहीं डालनी है। और गैस का फ्लेम हाई ही रखना है फ्रेंड्स हमें। इसे 5 मिनट्स हो चुके हैं। अब ये जो बची हुई हमारी शुगर है फ्रेंड्स हम लोग ये ऐड कर देंगे। ठीक है अब इसे हमें वापस से अच्छे से चला लेना है। ये जो साइड का इसे थोड़ा सा निकाल लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और इसे चलाते रहिए।
देखिए फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं इसका कलर भी ब्राउनिश हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा घी है, ये हमने जो घी लिया था, हमें इसमें एक एक स्पून करके डालना है फ्रेंड्स। बिस्मिल्लाह, और इसे हलाते जाना है। और ये उड़ेगा फ्रेंड्स, बी केयरफुल। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारा खलाटन का मिक्सचर, अब इसमें और हम 2 टेबलस्पून घी ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स। और इसे भी हमें अभी चलाते रहना है फ्रेंड्स। ये जो साइड का, इसे भी हम थोड़ा थोड़ा निकाल लेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमें इसे पूरा ब्राउन नहीं होने देना है, बिकॉज जब हम इसे सेट करने के लिए रखेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। जब नीचे से छूटना चालू होगा पैन से, तब हम इसे और गैस बंद कर देना है और सेट होने के लिए रखना है फ्रेंड्स। अब देख सकते हैं छोड़ रहा है नीचे से इसको, बर्तन को। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है कलाकंद का मिक्सचर। अब गैस बंद कर देना है। और मैंने यहाँ पे एक जो मैंने घी लगा कर रखा था वो मैंने ले लिया है, और मैंने एक तार लिया है क्योंकि हमें इसे लपेट के रखना है एटलीस्ट 4-5 घंटे के लिए हमें इसे रखना है अच्छे से लपेट के, उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे। तो चलिए इसे सेट करने के लिए रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बर्तन में हमें हमारा ये जो बैटर है वो अच्छे से पोर कर लेना है फ्रेंड्स। देखिए, ये मैंने अच्छे से इसमें रख दिया है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक डिब्बे में निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको पैक ऐसे पैक कर देंगे फ्रेंड्स। और हमें इसे अच्छे से, आप चाहो तो कोई भी टाल या कोई भी अच्छा जो थिक वाला कपड़ा होता है वो ले सकते हैं। और इसे हमें अच्छे से लपेट कर ऐसे पैक कर कर किचन में एक साइड में रख देना है। ओवन या फ्रिज में मत रखिए, ऐसे ही आप इसे अच्छे से पैक करके रख दीजिए एटलीस्ट 4-5 घंटा। देखते हैं, चलो 4-5 घंटे के बाद। चलो तो फ्रेंड्स, 4-5 घंटे हो चुके हैं हमें। अभी हम देखते हैं कि हमारा कलाकंद रेडी है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी है कलाकंद। बस इसे साइड से थोड़ा थोड़ा हमें छुरी से कर लेना है। एक प्लेट लेंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कलाकंद जो है एकदम रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं बराबर से प्रॉपरली सब जगह से कुक हो चुका है।
तो चलिए अब इसके पीसेस करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे कलाकंद बनके बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब इसे टेस्ट करवाएंगे हम लोग। कैसा लगा? यम्मी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, स्ट्रीट फूड बाय हुमेरा को। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।